कोटि सदियों का काल निर्णय, अनंत अनादि यानी जिसका ना कोई अंत है ना कोई आदि। हम भारतीयों के लिए काल का मतलब अनादि अनंत, हमें ही नहीं दुनिया के सभी मानव को भी यही वर्तित होती है। पर बीच में आए यह रेगिस्तान के अब्राहमिक लोगों को क्या हो गया कि वह अभी तक 6000 साल का चतुरस्र भूमि पर ही अटके हुए हैं। यह थोड़ा गंभीर और शोचनीय विषय है। कभी आप सोचा है कि हमें क्यों यह पढ़ा जाता कि हमारा भूमाता सिर्फ 6000 वर्ष पुरानी है, जबकि हमें फिल्म रामायण महाभारत आदि सीरियल और महापुरुषों के कुछ प्रवचन सुन देख पता चल जाता है कि इस महाकल्प के 4 युग है, जो कि सत्य या कृतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलियुग। ये नामों से जाना जाता है चारों युग। द्वापर युग जो भगवान श्री कृष्ण जी के अवतार परिसमाप्त तुरंत खत्म हुआ है, उस द्वापर युग का काल गमन था 8,64,000 सालों का। सो जानिए इस रेगिस्तान के अंध लोगों को बाइबिल और बाइबिल लिखित 6000 साल का मानने वाले तुच्छ, जब हमारे कालगणन के 4,32,000 सालों का महायुग के अंक जब गिनने लगते हैं तो हैरान भी हो जाते हैं और आश्चर्यचकित भी, एवं उनके सभी के माइंड भी ब्लैंक हो जाते हैं। इसी कारण उन चरित्रकार और एडुकेशनिस्ट ने सारा विश्व का ही नहीं हमारा साहित्य एवं वेदों को 6000 सालों में बंद करने की कोशिश की है। अभी यह समय आ गया है कि हमें इसके विरोध करनी है, उन्हें बदलने की भी प्रयत्न जरूर करनी है। बात यह है कि मिकाले, विलियम हंटर, मैक्स मुलर जैसे दुष्ट जो बाइबल प्रेरित फ्लैट अर्थ और प्रभु द्वारा 7 दिनों का 6000 साल पुराना विश्व निर्माण, जिसमें एक दिन पेड हॉलिडे के 6 दिनों में जो प्रभु ने बना दिया है, सिर्फ यही मानते हैं। अपने भारतीय विद्यालय की किताबों में भी यही घासपुस भर दिए हैं और चरित्रकार भी ऐसे नारायण बने फिरते हैं, हमें इस झूठ को पढ़ने पर मजबूर कर दिए हैं। पर अब की शास्त्रज्ञ भूमाता को सनातन धर्म के अनुसार ही भूगोल के रूप ही नहीं 4.54 बिलियन ईयर्स का पुराना शास्त्रों के अनुसार दिखाया और निर्धारित भी किए हैं। यार अभी तो मानो और झूठे कहानियों वाली डिजर्ट रेगिस्तान के अब्राहमिक असत्य प्रचार को ठुकराओ और जो पूछने लगते हो तुम्हें तो उन्हें घटिया तरीका से समाधान भी देकर उसके आंखें खुलवाओ। सो प्लीज डू नॉट गेट फूल्ड बाय दिस इग्नोरेंट बाइबल इंस्पायर्ड हिस्टोरियंस एंड एडुकेशनलिस्ट। सत्यमेव जयते, ट्रूथ प्रिवेल्स। धन्यवाद।